तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मुझे आशा है आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपकी शोभा डिस्ट्रिक्ट मंडी से तो एक बार फिर आपके लिए एक ब्लॉग लाई हूँ। और आज का ब्लॉग लाई हूँ अपने पुराने घर में बैठी हूँ अभी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर दी जाए। तो गाइस, अभी जो हूँ मैं गौशाला आई थी तो मैंने देखा यहाँ पर दूध जो है जम गया है, तो दूध मतलब घी जो निकालते हैं ना उसके लिए मैंने बाहर रख दिया है मशीन लगा के मक्खन निकालने के लिए। तो अभी मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ, पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडे में नहीं होता है तो डालना पड़ता है बार बार। तो गाइस, सासू जी लगाते थे दूध, तो अभी वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, पालमपुर में सरकारी हॉस्पिटल में। आज उनको हो गए तीन या चार दिन हो गए शायद, तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो साथ में गए हैं। तो मैं घर में ही हूँ क्योंकि घर में भी देखना पड़ेगा बच्चे, पशु और फिर ससुर जी भी है बीमार, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है गाइस। मेरा गला भी बैठ गया है ये देखिए आप लोग, और बहुत ज़्यादा सर्दी है। कल तो बहुत ज़्यादा गंदा मौसम था, मतलब धुंध धुंध कोहरा कोहरा पड़ा था। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं दूध लगा रही हूँ और कैसे लगाते हैं, किस तरह से। तो चलिए, एक डब्बा यहाँ पे भर के रख दिया दूध का, ये भी जम नहीं रहा है ठंडे में ना। तो चलिए बाहर जाके देखते हैं। लकड़ी का ढेर लगा दिया सासू जी से, नहीं लाई जाती तो यहाँ पे इकट्ठा करके रख रही हूँ ठंडे दिनों के लिए। और ये बट्टू इसलिए रखा है क्योंकि दूध निकल जाता है यहाँ से, और गर्म पानी में इसमें ही डालूँगी, इसमें डाल के तो है मक्खन जल जाता है। तो ये देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो अभी इसको गर्म पानी डालना पड़ेगा। तो गाइस, अंदर डालेंगे ना तो मक्खन जलने का खतरा होता है, तो मैं ऐसे डालूँगी बाहर से। ये देखिए आप लोग कैसे डालूँगी चारों तरफ से। तो गाइस, दूध तो हो गया था और उसके बाद गई थी मैं गौशाला। गौशाला में जाके गाय से दूध निकाला, गोबर उठाया और घास वगैरह दिया, पशु को बाहर बांधा, और अब जो चल पड़ी हूँ मैं घास को। फिर से शादी के बाद वही काम, तो घास काटने को रह गया है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। मैं वहीं पे जा रही हूँ घर के दूसरी तरफ से। और गाइस, ठंड बहुत है और हाथ मेरे बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो गए हैं क्योंकि गोबर उठाया उसके बाद मैंने हाथ धोए ठंडे पानी से, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। और मेरे गले में मैंने बोला कि गला बैठ गया है पूरा मेरा ठंड के कारण। तो पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है, पीछे दिख रहा है गांव मेरा ऊपर वाला। तो अभी मैं पहुंच गई घास के पास, और ये देखिए दराटी भी निकाल दी। तो अब मैं काटूंगी घास और फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी देर में, मतलब जब मैं घास काट के बेली हो जाऊंगी तो तब मिलूंगी। तो अब मैं काटूंगी, ये देखिए बहुत रह गया अभी भी, ये सारा रह गया जितना भी दिख रहा है वहाँ तक। तो चलिए काटते हैं, फिर मिलती हूँ फटाफट से। तो गाइस, मैंने ना उंगली काट दी अपनी आते ही और बहुत ज़्यादा कट गई है। आज मैंने ना ये नहीं डाले थे हाथ में ग्लव्स, तो बहुत ज़्यादा कट गई है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये पूरा कट गया है। ये मैंने इसको पकड़ के रखा था ना तब नहीं निकल रहा था ब्लड, अभी देखिए कैसा निकल रहा है। तो मैं बना रही हूँ कुंदी की खिचड़ी। ये देखिए कुंदी को पका के मैंने एक दिन फ्रिज में लगा दिया था, थोड़ी सी बनाई थी और थोड़ी सी बचा के रख दी थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुंदी की खिचड़ी खिलाऊं क्योंकि गर्म होती है, अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी शरीर के लिए। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी की रेसिपी भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि कैसे बनाऊँगी मैं। तो गाइज़, हस्बैंड जी साथ नहीं देते हैं, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि वो साथ नहीं देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं,
पर आजकल उनका जो किस्मत थोड़ा सा ठीक नहीं है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ससुर जी कभी सास कभी बच्चे कभी मैं, तो इधर उधर हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन, मतलब दिमाग थोड़ा सा उनका ठीक नहीं रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, बताते नहीं हैं, मतलब फिर भी मुझे पता है कि वो टेंशन लेते हैं। ऑयल मैंने ले लिया है, तो अब इसको गर्म होने के बाद जो है इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले जीरा और सूखा धनिया जो भी है मिक्स किया है। ये देखिए, तो अब डालूंगी प्याज और मिर्च, और तेल अभी गर्म हो गया है और मैं डाल रही हूँ ये देखिए लहसुन 2-3 का लिया और एक प्याज और 4-5 मिर्चें ली मैंने। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने पहाड़ी स्टाइल से जैसे मैं बनाती हूँ, अपना अपना तरीका बनाने का। चलिए इसको भून लेती हूँ, उसके बाद मैं नमक डालूँगी और हल्दी। तो अभी डालूँगी मैं इसमें नमक, तो मैं डालूँगी 1.5 चम्मच, तो उसके बाद टेस्ट करके डालूँगी। और मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि ज़्यादा डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस, क्योंकि राजमा की खिचड़ी में दिख जाती है हल्दी, बट कुंदी की खिचड़ी में नहीं दिखती है, क्योंकि कुंदी तो पहले से काली होती है। ये देखिए, तो आप लोग सोचेंगे कि मैं ये क्या बना रही हूँ। तो ये भून गया तड़का, तो अभी मैं डाल रही हूँ कुंदी। राजमा की खिचड़ी भी इसी तरह बनाते हैं। तो ये जल रहा था नीचे से, मतलब कुंडी वगैरह जल रही थी तड़के में, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अभी मैं डालूँगी चावल, चावल में धो रही हूँ, तो उसके बाद डालूँगी मैं, उसके बाद पानी डालूँगी, देख के कितना डालना है। तो चलिए आगे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने चावल डाल दिए हैं और अभी मैं डालूँगी पानी, और पानी में उतना ही डालूँगी जितना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से खिचड़ी अच्छी नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल कम डालूँगी, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो थोड़ा सा और लगेगा पानी, चावल देख के लग रहा है पता। तो बस अब नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें कर रही हूँ ऐड डालडा घी, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये है डालडा घी, और ये देखिए, तो मैं इसको ऐड करूँगी इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, एक करछी। तो चलिए निकालती हूँ। अपनी गाय का घी तो खाते हैं, बट ये खाना भी ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि डालडा घी जो है घुटनों के लिए, मतलब जो दर्द होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रीस बनती है इससे, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक डब्बा ही मंगा दिया। तो अब अच्छे से उबलने दूंगी और फिर टेस्ट करूंगी नमक, और फिर मैं लगा दूंगी ढक्कन, और 3 विसल के बाद जो है बंद कर दूंगी। और जो मैंने मसाला स्टोर करके रखा है, बनाया है घर में, तो ये करूंगी 1 चम्मच ऐड, और फिर देखिएगा स्वाद जो है 2 गुना हो जाएगी। चीकी, ये मेरे घर की पहरेदार है, और ये हमेशा इधर ही बैठती है और किसी को आने तक नहीं देती है अंदर, क्योंकि कोई भी नहीं आता है गाइस मेरे घर डर के मारे, क्योंकि ये ना हमेशा इधर बैठ जाती है, बोरी बिछाई है मैं हमने, तो इधर बैठ जाती है, पूरी रात पहरा करती है। तो रोटी अभी बननी नहीं है, इसको भी खिचड़ी ही दूँगी मैं खाने के लिए। और चीकू बैठ के नीचे, तू क्या खा रही है, क्या खा क्या रही है तू, चीकी चिकी, ओ चिकी, ओ चिकी, खेलने की लगी इसको, नीचे बैठ जा। ये देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से उबल रही है, और ये देखिए, और अभी मैं इसमें भी सल लगा दूँगी, क्योंकि नमक मैंने टेस्ट कर दिया है,
तो हरा धनिया है नहीं, नहीं तो उससे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और मुझे बहुत ठंड लगती है गाइस, तो मैंने आग चला दी है अभी। कुकर में यहीं पे रखती, बट बिजली वाले चूल्हे का ये कुकर तो मैं चूल्हे में नहीं यूज़ कर सकती और काला हो जाएगा, तो फिर मैं बर्तन मांजूंगी कैसे, क्योंकि मेरे तो उंगली में बहुत ज़्यादा ये दिखी गाइस, बहुत दर्द हो रही है अभी भी। तो कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे धोऊंगी कपड़े, पता नहीं। ये देखिए, तो चलिए मिलती हूँ अब बाद में। तो देखिए मेरी खिचड़ी जो है बन के हो गई है तैयार, और अभी हो रहा है हस्बैंड जी का वेट, क्योंकि वो गए हैं सासू जी के घर, क्योंकि उनको दवाई वगैरह दिखा बतानी है, मतलब किस तरह की खानी है। तो ये देखिए गाइस, ये बहुत ही यम्मी यम्मी लग रही है, और ये उबाल चला है ना धुआँ, नहीं तो आपको दिखती। ये देखिए सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी खिचड़ी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी फिनिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना वीडियो को और शेयर करना, और जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो